जो फजर की नमाज के लिए नहीं उठता बड़ा नुकसान है उसका, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। भला बताइए कान में शैतान पेशाब कर दे अच्छा लगेगा? बोलिए अच्छा लगेगा? कितने लोग शैतान को खुद मौका देते हैं कि उसके कान में आके पेशाब करे, है कि नहीं? तो जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। अब आप ही बताइए पेशाब करवाना मंजूर है? जी नहीं। तो क्या करने का? नमाज के लिए उठने का, तमाम नमाजों के लिए जाने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सही बुखारी किताब तहज्जुद किताब नंबर 19 हदीस नंबर 1144 अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ज़ुकिरा इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन फकीला माज़ाला नाइमन हत्ता असबहा माकामा इला सलाह। एक आदमी के बारे में जिक्र हुआ कि वो सो रहा है नमाज के लिए नहीं उठता, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है सोता रहता है नमाज के लिए नहीं उठता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाल शैतानु फी उज़्नी, शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया है।